नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और एक्स वाई जी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जनपद में जो संविदा की भर्ती निकाली जाती है, यानी जो नौकरियां निकलती हैं, जैसे आपके जनपद में अस्पताल होते हैं या इंटर कॉलेज होते हैं सरकारी, और जो बहुत सारी विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पर संविदा भर्ती की जाती है, तो उनके बारे में हम कैसे पता लगाएं कि वहाँ पर वैकेंसी खाली है या नहीं, यानी वहाँ नौकरी निकली है या नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जनपद में किस विभाग में संविदा के लिए वैकेंसी निकाली गई है और उसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, उसमें फॉर्म कैसे डालना है और कहाँ डालना है। क्योंकि ये जितनी वैकेंसी होती हैं आपके जनपद में, ये सारी वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म ही इसमें डाले जाते हैं और इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ इसमें आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाता है और कई विभागों में मेरिट के आधार पर भी भर्ती की जाती है। तो आज इस वीडियो में बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि किस वेबसाइट से देखना है। तो गूगल पे आपको जाना है और आप जो भी जनपद से हैं, यानी कि आप, जैसे मैं बहराइच जनपद का देखना चाहता हूँ, तो बहराइच ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर देंगे लिख के। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं bahraich.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद नोटिस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको इसमें टाइटल में देख लीजिए क्या लिखा है, रिलीज प्रेस नोट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल भोजिया बहराइच यूपी, यानी कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं वहाँ पर इस समय भर्ती निकली हुई है। तो इसका जो स्टार्ट डेट है 4/5/2022 से और आखिरी तारीख जो है 31/8/2022। अब इसमें देख लेते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, फॉर्म जो आपको आवेदन जहाँ से करना है, तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वो ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको काम करना है, कैसे करना है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी होती हैं ये जिस विभाग में ज़रूरत होती है उस विभाग से जिला अधिकारी को एक लेटर दिया जाता है और जिला अधिकारी के द्वारा NIC ऑफिस जो जनपद में होते हैं उनके द्वारा इसको पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, यानी ये एकदम जेन्युइन होता है, इसमें कोई फ्रॉड वाला नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से देखकर और आप आवेदन कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ जिला अधिकारी को का आपको साइन भी मिल जाएगा। तो ऊपर तो पोस्ट के बारे में लिखा रहेगा, फिर नीचे जो जो पद हैं, जैसे यहाँ पर एक पद है उप प्रधानाचार्य का, जिसमें मानदेय भी लिखा है कि प्रतिदिन का 1870 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। ऐसे जितनी पोस्टें हैं सबका अलग अलग मानदेय और कितनी जगह खाली हैं ये बताया गया है। तो इस प्रकार आप देखकर और आवेदन कर सकते हैं। नीचे देख लेते हैं, ये भर्ती जो है मेरिट के आधार पर इसमें लिया जाएगा। और फिर उसके नीचे देख लेते हैं क्या है, तो उसके नीचे है कि आपको जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद के लिए आपके पास योग्यता, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ, यानी कि जो उनकी शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। तो जैसे उप प्रधानाचार्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रश्नातक, यानी कि जो डिग्री होती वो होनी चाहिए, और बीएड, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं
और उसके बाद सबसे लास्ट में देख लीजिए, यहाँ लिखा है आवेदित लिफाफे पर विज्ञापन संख्या दिनांक तथा जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस पद का नाम अवश्य अंकित करें। यानी कि ये जो भर्ती है इसका फॉर्म आपको डाक द्वारा भरना है, जो कि उनका पूरा एड्रेस दिया गया है, उसी एड्रेस पर आपको जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद को ऊपर लिफाफे पर लिखकर और आपको भेज देना है। ये आपका वो फॉर्म है, जो भी वैकेंसी निकलती है उनका फॉर्म उनके उनके साथ डाल दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।